नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। महिला बाल विकास विभाग द्वारा 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक पोषण माह का आयोजन किया जा रहा है। इस माह को जन आंदोलन बनाए जाने के लिए एक मीडिया कार्यशाला का आयोजन शहर के एक होटल में किया गया है। इसके माध्यम से जानकारी देते हुए जिलाधिकारी संजय जैन ने बताया कि किस तरीके से प्रचार प्रसार के माध्यम से हम कुपोषण को दूर कर सकते हैं। हालांकि उनका ये भी कहना था कि कुपोषण के लिए सिर्फ एक विभाग जिम्मेदार नहीं है, बच्चों के गर्भावस्था से लेकर और बड़े होने तक की प्रक्रिया में जितने भी विभाग शामिल होते हैं उन सभी की जिम्मेदारी है कि उसे कुपोषण से दूर रखें। हालांकि 11 मंत्रालय के 14 विभाग इस पूरे मुद्दे पर काम कर रहे हैं। ये पोषण माह 1 सितंबर से 30 सितंबर तक चलाया जा रहा है। भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इसकी सारी रूपरेखा तैयार की गई है। राज्य स्तर, जिला स्तर और परियोजना स्तर से लेकर आंगनवाड़ी स्तर तक इसको निर्धारित किया गया है। इसमें विभिन्न गतिविधियों को शामिल किया गया है। इसमें 11 मंत्रालय के 14 विभाग शामिल हैं जिनके माध्यम से इसको जन आंदोलन बनाने का प्रयास किया जा रहा है। जनता की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए जनप्रतिनिधियों से लेकर लोगों के आचार विचार और खान पान व्यवहार में परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इसके आधार पर सोशल मीडिया से लेकर प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सबका सहयोग इसमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आंदोलन तब जब बृहद रूप धारण करता है जब सबकी इसमें सहभागिता होती है। इतना कुपोषण हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ जो बहुत अति कम अति कुपोषित हैं वो 1.11% ही हैं, लेकिन कुपोषण एक नेगेटिव चीज़ के रूप में आता है और ये किसी एक विभाग की जिम्मेदारी नहीं है। ये एक इसको कहते हैं एक प्रक्रिया है, दीर्घकालीन स्वास्थ्य की प्रक्रिया है जो बच्चे के माता के गर्भ से ही शुरू हो जाती है। अगर गर्भावस्था में ही देखभाल उसकी उचित ढंग से की जाए तो ये कुपोषण नहीं रहता। हमारे यहाँ आदतन ये है कि माताएं या घर की जो महिलाएं होती हैं वो सब पूरे परिवार का भोजन बनाने के उपरांत बाद में खाती हैं। एक टाइम भोजन कर लिया, जो बच्चा खचा हुआ वो खाती है। तो इसी दोहरा आहार को चेंज करने के लिए इस माह को एक जन आंदोलन के रूप में बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इस बार अब महिला बाल विकास नहीं, कितने विभाग इसमें आ रहे हैं सामने? इसमें 11 विभाग और शामिल हैं। महिला बाल विकास, स्वास्थ्य विभाग, PHE विभाग, खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय और तमाम अन्य विभाग जो हैं इसमें शामिल हैं, शिक्षा विभाग, ताकि ये सबका सम्मिलित रूप से ही इस चीज़ को दूर किया जा सकता है। खबर दिन भर में इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। आपके कपड़े, आपका फैशन आपको बनाता है औरों से अलग, यानी कि मैन से जेंटलमैन बनने के लिए जरूरी है वक्त के साथ बदलते फैशनेबल कपड़े। तो अपनी शख्सियत को निखारे मस्ताई गारमेंट्स पर आकर। रेडीमेड कोट, ब्लेजर, शादी ब्याह में राजसी लुक के लिए शेरवानी, यूथ के लिए इंडो वेस्टर्न कोटी, जीन्स, फॉर्मल वियर, शर्ट, टी शर्ट और पार्टी वियर शर्ट्स, हर तरह के फैशनेबल और डिजाइनर कपड़े रीजनेबल कीमत में मिलने का एकमात्र स्थान मस्ताई गारमेंट्स, हटवारा रोड, छतरपुर। प्रोप्राइटर निशांत जैन। संपर्क करें 9893113652 और 7566666552।